वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर आर्चेस के बारे में और पैराबोलिक आर्चेस के बारे में कि जब भी टू एंड सेमी सर्कुलर आर्चेस पे कंसेंट्रिक लोड लगता है या यूडीएल लगता है तो उन पर क्या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू कंसेंट्रिक लोड एट क्राउन। तो जब क्राउन पर कंसेंट्रिक लोड लगेगा, एल लेंथ का हमारा आर्च है और एच हाइट पर हमारा डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा डब्ल्यू अपन पाई। जब हमें डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे फॉर्मुले क्योंकि इनका डेरिवेशन कभी नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं गेट में ले लो या किसी भी एग्जाम्स में। हमारा सेमी सर्कुलर सब्जेक्टेड टू यूडीएल जहाँ पे वेट पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है ओवर द एंटायर स्पैन। यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा वो होता है 4R/3π इंटू डब्ल्यू। आर जो यहाँ पे होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होती है वो होता है, और इसको हम एच भी बोल सकते हैं। और थर्ड केस हमारा फॉर अ टू इंच सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू कंसेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट एनी अदर पॉइंट विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज, मीन्स यहाँ पे हमारा जो डब्ल्यू है वो क्राउन पे ना लग के किसी और पॉइंट पे लग रहा है आर्च के, जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा वो हमारा डब्ल्यू अपन पाई साइन स्क्वायर इंटू अल्फा। हमारे सर्कुलर आर्चेस में वही तीन इंपॉर्टेंट थे, अब जो पैराबोलिक आर्चेस में यही दो इंपॉर्टेंट है। जो है हमारा टू इंच पैराबोलिक आर्चेस में कि जब कंसेंट्रिक लोड लगेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप होगा वो था 25/120 इंटू डब्ल्यू इंटू एल बाय एच। दूसरा केस है हमारा पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल वेट पर यूनिट लेंथ ओवर द एंटायर स्पैन। जब हमारे आर्च पे यूडीएल लग रहा होगा तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप होगा वो होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8H। और इन पांचों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए वो हमारा ये फिफ्थ पॉइंट पड़ता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये ज़्यादा बार पूछा गया है। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और जो आप नए टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।